सो ये रील्स इंस्टाग्राम पे अभी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कितने ज़्यादा इस पे व्यूज आए हुए हैं और कितने ज़्यादा लाइक्स आए हुए हैं। और इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं उस पे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आए हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 25.2 मिलियन यहाँ पे व्यूज़ है, इस पे 3.1 मिलियन व्यूज़ है, और आपको मैं दिखा दूँ 3.2 मिलियन व्यूज़ यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ इन सारी वीडियोज़ पे आए हुए हैं जो इनसे रिलेटेड वीडियोज़ हैं। तो आप लोग भी देरी मत कीजिए और इस तरीके के रील्स वीडियो क्रिएट कर लीजिए। अगर आप लोग इस तरीके के रील्स वीडियो क्रिएट करते हैं तो आपके भी रील्स वायरल होने के ज़्यादा चांस बने रहेंगे। तो सबसे पहले आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको एक VN ऐप का लिंक मिलेगा। सो आपको उस VN ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, जस्ट ओपन करना है। अब ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। सो आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके गैलरी में जितने भी वीडियोज होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको एक रील्स का लिंक मिल जाएगा। सो आपको उस रील्स को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से वो रील सेलेक्ट करके नीचे एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सो अब आपको करना क्या है, तो अब आपको यहाँ पे पहले इस रील्स को कट कर लेना है। सो आपको ये रील्स 4.20 सेकेंड पे कट करना है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 4.20 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और इस रील्स को हम लोग यहाँ पे कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद इधर वाले पार्ट को हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे। देन आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट मिलता है, इसको हम लोग भी डिलीट कर देंगे। उसके बाद स्टार्टिंग में आएंगे, अब नीचे इसको थोड़ा स्लाइड करेंगे तो आपको वॉल्यूम का ऑप्शन दिखता है, आपको इस पर क्लिक करना है और इसका वॉल्यूम यहाँ से डाउन कर देना है। उसके बाद टिक कर देना है। इसमें आपको सबसे पहले फ़ोटो ऐड करना है, तो फ़ोटो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे एक प्लस का आइकन दिखता है। सो हम लोग इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करते हैं, फ़ोटो एंड वीडियोज़ वाले ऑप्शन पर आते हैं। उसके बाद साइड में आपको एक फ़ोटो का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब आपके गैलरी में जितने भी फ़ोटोज होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। सो अब आप लोग को यहाँ से 4 फ़ोटो ऐड करना है। 4 फ़ोटो ऐड करने के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको 4 फ़ोटो ऐड कर लेना है। देन आपको नीचे एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आपका फ़ोटो यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब हम लोग इसमें अपना म्यूजिक ऐड कर लेंगे। सो म्यूजिक ऐड करने के लिए आपको इस म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको म्यूजिक पे आ जाना है। उसके बाद प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे क्लिक कर देना है। अब आपने जो रील्स वीडियो डाउनलोड किया था उसको यहाँ से सेलेक्ट करके ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होने लगता है। सो अब आपको चूज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको म्यूजिक बीट्स पे क्लिक करना है एंड आपको यहाँ से कुछ म्यूजिक बीट ऐड कर लेना है। सो मैं आपको यहाँ पे टाइमिंग भी बता देता हूँ कि कौन सा म्यूजिक बीट कितने सेकंड पे ऐड करना है। सो फर्स्ट बीट आपको यहाँ पे 4.21 यानी 4.20 पे आपको ये वाला म्यूजिक बीट ऐड कर लेना है। उसके बाद अब आपको सेकेंड म्यूजिक बीट 6.20 पे ऐड करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे थर्ड म्यूजिक बीट जो है वो 8 सेकेंड पे ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ म्यूजिक बीट 9.65 सेकेंड पे ऐड करना है। आप लोग कुछ इस तरीके से चारों बीट ऐड कर लेंगे। अगर आप लोग को म्यूजिक बीट ऐड नहीं करने आता है तो आपको जहाँ भी म्यूजिक बीट ऐड करना है वहाँ इसको लेके जाना है और यहाँ पे झंडे वाले पे क्लिक कर देना है, ये म्यूजिक बीट वहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको टिक पे क्लिक करके यहाँ से इस म्यूजिक को ऐड कर लेना, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। अब इसके बाद हमको करना क्या है, तो हम अपने म्यूजिक बीट पे आएंगे बारी बारी से। तो हमारा फर्स्ट म्यूजिक बीट यहाँ है तो हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। उसके बाद सेकेंड म्यूजिक बीट पर हमको चलना है। अब सेकेंड म्यूजिक बीट पर आने के बाद अब हम अपने फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। देन आपको इस फ़ोटो को यहाँ से क्रॉप कर लेना है इस म्यूजिक बीट के साइज़ में, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हम अपने म्यूजिक बीट के साइज़ में अपने फ़ोटो को क्रॉप कर लिए। उसके बाद चलते हैं थर्ड म्यूजिक बीट पे। अब थर्ड म्यूजिक बीट पे आने के बाद इस फ़ोटो को यहाँ से हम लोग क्रॉप कर लेंगे। देन आपको फोर्थ म्यूजिक बीट पे आ जाना है। उसके बाद हम लोग यहाँ से इस फ़ोटो को भी क्रॉप कर लेंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद हम लोग एंड में आएंगे। अब एंड में हमारा म्यूजिक जहाँ तक है वहाँ तक हम अपने फ़ोटो को क्रॉप करके एडजस्ट कर लेंगे। अगर आप लोग को इसमें वीडियो ऐड करना है तो आप लोग जस्ट इसी तरीके से अपना वीडियो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इतने ही टाइमिंग, इतना ही सब कुछ होना चाहिए। इसके बाद अब आपको करना क्या है, तो अब आपको आ जाना है फर्स्ट फ़ोटोज़ पे। फ़ोटोज़ पे आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे इफेक्ट्स का ऑप्शन दिखता है, आपको इस पर क्लिक करना है।
देन आपको इसको स्लाइड करते जाना है एंड में। अब एंड में आपको यहाँ पे एक जूम आउट 02 का ऑप्शन दिखता है, आपको ये वाला इफेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको इसको यहाँ पे ओवरऑल में इसको एडजस्ट कर देना है। उसके बाद नीचे अप्लाई टू ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन अब आपको फर्स्ट वीडियोस पे आना है और यहाँ से आपको इफेक्ट्स पे क्लिक करके इसका जो यहाँ पे इफेक्ट ऐड हो गया है इसको हमको नन करके यहाँ पे टिक कर देना है, यानी इसका इफेक्ट हटा देना है। तो अब हमारा वीडियो जो है यहाँ से एडिट हो चुका है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा फोटोज़ एंड वीडियो यहाँ पे एडिट हो चुका है। अगर आप लोग यहाँ पे वीडियो एडिट करते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब लगने वाला है। अब इसको गैलरी में लेके जाने के लिए हम ऊपर एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देन चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है।